आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित मनशापूर्ण महावीर क्षेत्र की पावन धरा पर जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। उसी हॉस्पिटल के द्वारा हिमाचल प्रदेश के गांव देहरा जिला कांगड़ा में निशुल्क कृत्रिम अंग कैंप का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में हर घर हर द्वार अस्पताल मुहिम पिछले 6 वर्षों से चलाई हुई है। इसमें हमीरपुर से सांसद एवं कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी की विशेष भूमिका है। उन्हीं के सौजन्य से देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। उपरोक्त आयोजन में सौरभ सागर सेवा संस्थान द्वारा संचालित जीवन आशा हॉस्पिटल एवं पुनर्वास केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश के दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए गए, जिनकी माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की गई। हमारे जो संजय जैन जी हैं, ये जीवन आशा अस्पताल की तरफ से हैं। मैंने इनसे अनुरोध किया था, मेरे जिन भाइयों की टांगे नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, मैं इनके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता हूँ कि अब इनको व्हीलचेयर पर ना जाना पड़े, अपनी दोनों टांगों पर चलकर जाएं। अब इनकी किसी की एक टांग नहीं है, किसी की दोनों टांगे नहीं थी। ऐसे मेरे सब भाइयों को भी आत्मनिर्भर क्या करने का काम हो। बलबीर सिंह जी आज 30 वर्षों के बाद अपनी टांगों पर खड़े हुए हैं। ये मैंने भी छोड़ दिया, देखिए भाई, जिसका आधे से ज्यादा जीवन केवल बेड पर निकल गया हो, व्हीलचेयर पर निकल गया हो, आज ईश्वर की कृपा से वो अपनी टांगों पर खड़ा है। इससे नेक काम जीवन में क्या हो सकता है मेरे भाई और बहन। मेरे भाई का हाथ अगर आप देखेंगे, आपका, इनका आर्टिफिशियल लिम्ब, दोनों के, बहन का भी, इनके हाथ लगाने का भी हमने काम किया है, ताकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, ये देखिए बोतल पकड़नी तो अब अपने हाथ से पकड़ पा रहे हैं, ये मुझे पानी की बोतल दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं जीवन आशा अस्पताल का संजय जैन जी को और आपकी भागीदारी के लिए बहुत बहुत बधाई। आप भी अपना बहुमूल्य सहयोग व समय देकर सैकड़ों हजारों दिव्यांगों के जीवन से दिव्यांगता का अंधकार दूर कर सकते हैं और उन्हें जीवन में जीने के लिए एक नई रोशनी प्रदान कर सकते हैं। आइए और जुड़ जाइए जीवन आशा से। धन्यवाद।